सो बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। अच्छे से ध्यान देना बेटे, सभी ने आ जाओ यार, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यस हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आ जाओ फटाफट से ध्यान दे दो। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ ना, फटाफट से ध्यान देना, बेसिकली कहाँ पे यूज होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा, ध्यान दे तो। चलो आ जाओ, तो बेटा खाते खाते देखते भी जाओ, ठीक है? और भाई मेरे को भी थोड़ा खिला देना, तो रुक के दे थोड़ा सा, थोड़ा रुक के लेते, ठीक है? आज यार मुन्ना अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक की बात चल रही है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? सब लोग साथ में बेटा आ जाओ, यो आ जाओ। क्या है अच्छे से समझ लो पहले, मुन्ना देख तो, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, एक्सचेंज क्या चीज है अच्छे से पहले समझ लेना, ठीक है? खाते भी जाओ और लिखते भी जाओ, जैसे घर पे करते हो ना, खाते भी हो टीवी भी देखते हो, है ना? तो उस टाइप में थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है बेसिकली समझना। आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, बरोबर है? जो बच्चे ने लिखा हुआ है उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके पास में ये लिखा हुआ है, जिसके पास में ये लिखा हुआ है, ये देखो ये वाली चीज है, उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, यस और नो? मतलब इसमें नकदी और उधारी दोनों भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? मर्केंटाइल। कैश सिस्टम मतलब सिर्फ नगद, आज नगद कल उधार, जिसमें सिर्फ नकदी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आया तो और पैसा गया तो। बट मर्केंटाइल सिस्टम कैसा है बेटा, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बोल बेटा कौन से? कैश और क्रेडिट, मर्केंटाइल सिस्टम। कौन से बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है? अक्रूअल बेसिस पे। सो ध्यान देना, अब होता क्या है इसमें, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट? कैश और क्रेडिट दोनों भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, प्लीज ध्यान देना। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के समय क्या होता है, मान लो किसी पार्टी ने, अन्ना ने बन्ना को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, राइट? होता है ना उधारी में, अन्ना ने बन्ना को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, ए मीन्स अन्ना, बी मीन्स बन्ना। सो क्रेडिट सेल हुआ है यहाँ पे कितने का, आपको समझाने के लिए 5,000 का। अब काफी बार ये होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कि सामने वाली पार्टी पैसा ही नहीं देती है, ये डर बना रहता है ना, एक भीति हंसते ना मन्ना कि भैया पैसे दिए, पैसा वापस, माल दिया उधारी में, पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। तो इस केस में मुन्ना प्लीज ध्यान देना, इस केस में अन्ना ने क्या किया, बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट, एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया और बन्ना को बोला, है ना, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा 5,000 का, अन्ना को भरोसा नहीं था कि बन्ना पैसे देगा कि नहीं। अन्ना ने बन्ना को पूछा, बोल तू पैसे कब देगा? बन्ना ने बोला 3 महीने बाद दे दूंगा। तो अन्ना ने बोला, रुक, 3 महीने बाद देगा ना, मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर लिख रहा हूँ कि हे बन्ना सुन, तू 3 महीने बाद ये पैसा दे देगा ना, प्लीज ध्यान देना। क्रिश आ जाओ, आ जाओ, मैं करवा दूंगा बेटा, सारी चीजें आपकी हो जाएगी रिजॉल्व, गिव मी 1 और 2 डेज, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, है ना, डोंट वरी, चिंता मत करना। सो अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा ना, प्लीज ध्यान देना, और यहाँ पे ये डर था कि बन्ना पैसे देगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे डर था कि पैसे देगा कि नहीं, तो अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और उस पे ऑर्डर पे लिखा कि 3 महीने बाद तू इस पार्टी को, या ये डॉक्यूमेंट जिसके जिस पास रहेगा उसको तू पैसे देगा। ऐसा अन्ना ऑर्डर दे रहा है किसको? बन्ना को। और वो ऑर्डर कैसा है? लिखित में, रिटर्न ऑर्डर। और बन्ना को क्या बोला? चल उस पे साइन करके दे। तो बन्ना ने उस ऑर्डर पे क्या किया, खुद का साइन कर दिया, और साइन करके किसको दे दिया? अन्ना को। हो सकता है ना,
अब अन्ना के पास सबूत है कि अन्ना से पैसे लेना है, कल चल के उधर उसने मुखर दिया, मना कर दिया, तो ऑर्डर दिया है, साइन कर दिया। तो जैसे ही साइन करके वो डॉक्यूमेंट अन्ना के पास आ गया, अब वो डॉक्यूमेंट अन्ना के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। एक बार फिर से सुनना, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, ऑर्डर ऑर्डर, और बन्ना ने उस ऑर्डर को क्या किया, साइन करके एक्सेप्ट किया। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, बरोबर है क्या? तो जैसे ही वो रिटर्न ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा, कौन, सामने वाली पार्टी, तो वो एक्सेप्टेंस करने के बाद अब वो ऑर्डर क्या बन गया, अन्ना के लिए बिल रिसीवेबल, और बन्ना के लिए इसको देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या बन गया, बोल बेटा, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये क्या है, लाइबिलिटी है। बिल रिसीवेबल ये क्या है, एसेट है, बरोबर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, सिंपल है, प्लीज सब लोग ध्यान देना, सिंपल है ना एकदम। अरे बाबा, अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बोला मैं डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करो, ऑर्डर दे रहा हूं, तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट करने के बाद अन्ना ने वो एक्सेप्ट किया, वो ऑर्डर उससे ले लिया। अब बोलो अन्ना के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई, किससे आई, बन्ना से। बन्ना के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी। बन्ना के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी, बिल पेएबल, बरोबर। चीजें बहुत सारी है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है तो याद रहेगा, वरना भूलते जाओगे, यस और नो। सो प्लीज ध्यान दे दो, आगे और बढ़ते। अब अन्ना के पास ये बिल तो आ गया, अब अन्ना इस बिल का क्या क्या कर सकता है, या तो अन्ना इस बिल को अपने पास ही रखेगा 3 महीने तक, 3 महीने का ड्यूरेशन था ना, या तो अन्ना इस बिल को 3 महीने तक अपने पास ही रखेगा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अपनी अलमारी में लॉक करके रख देगा। अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक बिल ड्राफ्ट किया, बिल ड्राफ्ट करने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद अन्ना के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, बन्ना के लिए हो गया बिल पेएबल। अब अन्ना के पास बिल रिसीवेबल आ गया, अब अन्ना उस बिल रिसीवेबल नाम की असेट के साथ, अब अन्ना उस बिल रिसीवेबल नाम की असेट के साथ क्या क्या कर सकता है, अच्छा बताओ, बिल पेएबल किसके लिए, बन्ना के लिए, बिल रिसीवेबल किसके लिए, अन्ना, बरोबर। अब अन्ना उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, या तो 3 महीने तक अपने पास में रखेगा, या तो अन्ना को अगर अर्जेंट पैसों की जरूरत होगी तो अन्ना आज के आज उस बिल रिसीवेबल नाम की असेट को बेच देगा। किसको बेचेगा, बैंक को। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। उन्हें सब लोग ध्यान देना है, आप लोग भी, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, एक बार नाम लू क्या सभी बच्चों का, प्लीज ध्यान देते बेटा। यस, समृद्धि, आरती, ऋतुजा, प्रांजल, मधुरा, शुभम, प्रजापति, अभिजीत, साइंस, आयुष, भोसले, ऋतुजा, जाधव, प्रेरणा, जीनत, ऋग्वेद, आराध्य, सारंग, निधि, रोहन, नुपुर, ऋतुजा एक और है, ब्रियान, देवश्री, वैष्णवी, क्रिश कहाँ गया पता नहीं, क्रिश बेचारा बातें बहुत करता है लेकिन लेक्चर में एब्सेंट रहता है, सो कोई मेरा मैसेज क्रिश तक पहुँचा देना। भैया आप नाम के क्रिश हो, एक्चुअल में आप क्रिश नहीं हो, सो प्लीज लेक्चर में प्रेजेंट रहो, मेरा मैसेज पहुंचा देना क्रिश तक कि भाई लेक्चर में प्लीज प्रेजेंट रहे। वो लेक्चर में आता है, दो सवाल पूछता है कि सर ये कब होगा, वो कैसे होगा, उसके बाद गायब हो जाता है बेचारा। तो प्लीज मेरा मैसेज क्रिश तक जरूर जरूर पहुंचाना, ठीक है, भैया गायब है अभी लेक्चर से, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से अब्सेंट मत रहो क्रिश, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो आप फेमस हो चुके हो आज। या तो प्लीज ध्यान देना बेटा, अब मेरे पास बिल रिसीवेबल, मैं कौन हूं अन्ना, मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, अब या तो उस बिल रिसीवेबल को मैं 3 महीने तक मेरे पास ही रखे रहने दूंगा, और 3 महीने बाद में जाऊंगा बन्ना के पास, ये ले बन्ना 3 महीने हो गए, ये ले बिल और ला मेरे पैसे जो लेने थे उससे 5,000, यस और, या फिर मुझे आज ही पैसों की जरूरत है तो मैं आज बैंक में जाकर के उस बिल को बेच दूंगा। बिल रिसीवेबल नाम की असेट है ना, वो असेट को बेच सकते हैं कि नहीं, हाँ। बैंक पूछेगी, मैं बैंक के पास गया, हे बैंक सुन, मुझे आज अर्जेंट पैसों की जरूरत है। बैंक ने बोला तेरे पास क्या है, मैंने बोला मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट है। बैंक ने पूछा वो कब मैच्योर होगी, मैंने बोला 3 महीने बाद।
तो बैंक ने बोला मतलब मुझे पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। बैंक को कब मिलेगा पैसा? 3 महीने बाद। और हम बैंक से पैसा कब ले रहे हैं? आज। तो बैंक को तो 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए बैंक बदले में कुछ तो चार्जेस लेगी आपसे। तो मान लो बैंक ने लिए 200 रुपये चार्जेस, यानी 5,000 के बिल के बदले, 5,000 के बिल के बदले आपको कितना दिया? 5,000 के बिल के बदले आपको कितना दिया? 4,800। मतलब आपने 5,000 की असेट 4,800 में बेच दिया, डिस्काउंट में बेचा, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक हो गया क्या? इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे बिल को बेच देना, क्लियर है ना। उसके बाद अगली और चीज, या फिर अन्ना क्या क्या कर सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं। सर एट ए टाइम बिल खुद के पास भी रखेगा और बैंक में बेचेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनमें से कोई तो एक चीज, या तो अन्ना उस बिल के साथ और क्या कर सकता है, अन्ना का कोई तो क्रेडिटर होगा जेड, अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, भरोसा नहीं था, बिल ड्राफ्ट किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल, 5,000 की असेट आ गई, मेरा एक क्रेडिटर था जेड, मुझे उसको पैसे देना था, तो जेड आ गया मेरे पास, बुल्ला मेरा पैसा, मतलब साहब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन बिल रिसीवेबल नाम की असेट है, ये ले लो आप। हो सकता है क्या? पॉसिबल है, जरूर जरूर हर बार हार्ड कैश ही देना है, असेट भी दे सकते हैं ना हम लोग। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल एंडोर्स्ड। अन्ना ने क्या किया? बिल एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। किसको दे दिया? जेड को। चलेगा ना, बिल रिसीवेबल तो ये असेट है। हम लोगों को किसी को पैसा देना है, उधारी है, तो सोना भी दे सकता हूँ, चांदी भी दे सकता हूँ, कोई असेट भी दे सकता हूँ, कैश भी दे सकता हूँ, चेक भी दे सकता हूँ, तो मैंने बिल रिसीवेबल नाम की असेट दे दी। बेटा ये सब लफड़ा हो क्यों रहा है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, उधारी के ट्रांजेक्शन है, भरोसा नहीं सामने वाला देगा कि नहीं देगा, इसलिए मैंने सेफर साइड क्या किया, उसके ऊपर ऑर्डर ड्राफ्ट किया, और उस ऑर्डर से उसके ऊपर मैंने क्या ले लिया? साइन ले लिया। उस ऑर्डर के ऊपर मैंने उससे क्या ले लिया? साइन। जैसे ही उसने ऑर्डर पे साइन किया, जैसे ही उसने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस किया, वो ऑर्डर मेरे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। उसके लिए क्या बन गया? बिल पेएबल। अब वो बिल रिसीवेबल नाम की असेट में इधर उधर बेच सकता हूँ, किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, यस और नो? या फिर और क्या कर सकता हूँ उस बिल के साथ में, प्लीज ध्यान देना। या फिर मैं बैंक वालों को भेज सकता हूँ, बेचना है तो दूसरा पॉइंट, मैं बैंक वालों को भेज रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। बैंक को बोला हे बैंक सुन, तुम मेरे भी आप में, मेरे पास इतना समय नहीं है, 3 महीने बाद बन्ना के पास जाते बैठो, तुम मेरे भी आप में जाके बन्ना से पैसे कलेक्ट करके आ जाना। सो बैंक लाइक माई एजेंट, 3 महीने बाद बन्ना के पास जाएगी और वो पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देगी। सो ये हो गया बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, यस और नो? ये चार्ज। एक और चीज है प्लेज, बट वो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, या तो हम लोग उस बिल को गिरवी भी रख सकते हैं, प्लेज करना, गिरवी रखना, बट छोड़ दो, प्लेज के बारे में अभी देखने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली हम लोग उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? अत्या 1, अत्या 2, अत्या 3 और अत्या 4। उस बिल के साथ में 4 अत्याचार कर सकता हूं। सब लोग प्लीज ध्यान दें, ये कुछ ऐसा हमारा किस्सा चल रहा है। अब बच्चों आ जाओ, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब मैं सारे किस्से की अकाउंटिंग करके बताता हूँ, वन बाय वन, हर एक एंट्री को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। बिल का पैसा मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, नोटिंग चार्जेस क्या, कोई इंसॉल्वेंट हो गया दोनों में से एक पार्टी तो क्या, वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। पहले किसी को स्टोरी में कहीं कोई दिक्कत है, कोई किरदार, कोई पार्टी नहीं समझ में आ रही है, तो ये जो इंसान है यहाँ पे बताओ, बिल किसने ड्रॉ किया बताओ तो जरा, बिल किसने बनाया? अन्ना ने, अन्ना ने बिल बनाया था ना, ये देखो अन्ना ने बिल का ड्राफ्ट बना के, अन्ना ने बिल का ड्राफ्ट बना के किसको दिया? बन्ना को। बन्ना ने उस बिल को एक्सेप्ट करके किसको वापस किया? अन्ना को। तो अन्ना ने बिल का ड्राफ्ट बनाया था, तो अन्ना कौन हो गया? ड्रॉअर। किसके लिए बिल का, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? बन्ना पे। बन्ना कौन हो गया? ड्रॉई। बरोबर है क्या? बन्ना कौन हो गया? ड्रॉई। सो यहाँ पे अन्ना है ड्रॉवर, ड्रॉवर यानी कौन? जो बिल ड्राफ्ट करता। बोलो मेरे साथ, ड्रॉवर यानी कौन? जो बिल ड्राफ्ट करता। ड्रॉई यानी कौन? जिसके ऊपर हमने बिल ड्राफ्ट किया। एक बच्चे ने बोला सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक चार्जेस लेती है क्या? कभी कभी लेती है, कभी कभी नहीं लेती है। जनरली बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देती है।
यस और नो। सो आ जाओ, ध्यान दो, मैं सारी स्टोरी बता रहा हूं, है ना। नई चीजें देखने वाले बेटा, अच्छे से ध्यान देना, नई चीजें देखेंगे बेटा, आ जाओ। सो मैं पूरी स्टोरी को लिखना शुरू कर देता हूँ। देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, अन्ना ने बन्ना को माल बेचा था ना। सो मैं लिख रहा हूं, अकाउंटिंग कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ अन्ना। अन्ना कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में अकाउंटिंग कर रहे है। तू बता बेटा, अन्ना ने बन्ना को माल बेचा, अन्ना के बुक में एंट्री क्या होगी? उधारी में माल बेचा था बन्ना को। बोलो पहला ट्रांजेक्शन, ये उधारी में माल बेचा है ना 5,000 का। बोल ए के बुक में एंट्री क्या रहेगी? हाँ, क्रेडिट में क्या जाएगा? सेल्स टू? नो, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? बन्ना अकाउंट। कैश आया रहता तो कैश अकाउंट बनता, बट कैश आया है क्या? नहीं। बन्ना को उधारी में माल बेचा तो एक बनेगा बन्ना अकाउंट और दूसरा बनेगा सेल अकाउंट। बन्ना मेरा क्या बन गया? डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते तो डेबिट करो। गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल। सो देखो, बी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा था बेटा? 5,000 का। सब लोग साथ में रहना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बरोबर है? ठीक है, सब लोग साथ साथ में लिखोगे भी और देखोगे भी, ठीक है। अभी तूने बेटा पूरा स्टार्टिंग से लिखा नहीं ना, पेन मुझे बोल देता भाई, मैं दे देता तेरे को पेन। कितने देख, उधर भी देख, कितने दोस्त है तेरे यहाँ पे। एक तूने बोला पेन नहीं है, पीछे से पेन आ गया, आगे से पेन आ गया। चलो अभी अच्छे से ध्यान दे दे पहले, ठीक है। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यस और नो, प्लीज ध्यान दे दो। ये सेल का एंट्री कर दिया, अब बताओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। वेरी गुड, बन्ना टू सेल। आ जाओ, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, बन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। किसी कोई दिक्कत है? ये सब वो क्यों रहा है रे? मर्केंटाइल सिस्टम है, उधारी में माल बेचा इसलिए हो रहा है। नकदी में माल बेचा रहता तो कोई बिल फिल ड्रॉ करने की जरूरत रहती, कुछ ऑर्डर बनाने की जरूरत रहती, कुछ टेंशन रहता। पैसा आ गया, मैं मेरे घर पे, तू तेरे घर पे, खेल खत्म। लेकिन ये सारा किस्सा आया क्यों? जब भी हम लोग उधारी में माल बेचते तो काफी बार हमारा पैसा डूब जाता है, पैसा नहीं आता है, इसीलिए हम लोग पार्टी से ऑर्डर साइन करवा के लेते हैं। मैंने बन्ना को ऑर्डर दिया, बन्ने सुन 3 महीने बाद तू पैसा देगा और चल साइन कर। उसने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। जैसे साइन किया मैंने वो डॉक्यूमेंट ले लिया। साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया मेरे लिए? बिल रिसीवेबल। साइन करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद उसके लिए क्या बन गया? बिल पेएबल, यस और नो। और जिसने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था, मैं कौन हो गया? ड्रॉवर। और जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया वो कौन हो गया? ड्रॉई। ये कौन हो गया बेटा? ड्रॉअर, यस और नो। आ जाना, आप ध्यान देना सभी ने। नेक्स्ट, अब ये इसका एंट्री हो गया। अब मैंने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और उसने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया। बोलो मेरे पास क्या आया? मेरे पास बिल रिसीवेबल आया, मेरे पास असेट आई। असेट का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल नाम की असेट मेरे पास आ गई। बिल रिसीवेबल नाम की असेट मेरे पास आ गई। सो मैं क्या लिखूंगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। असेट मेरे पास आ गई तो मैं क्या लिखूंगा? असेट अकाउंट डेबिट। असेट का नाम क्या था? बिल रिसीवेबल। असेट का नाम क्या था बेटा? बिल रिसीवेबल, यस और नो। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया। किसने दिया वो असेट बता? बन्ना ने। बन्ना ने हमको असेट दिया तो बन्ना को क्या करो? क्रेडिट करो। सो टू बन्ना, टू बन्ना। सो 5,000, 5,000। सो बिल रिसीवेबल received, बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई। बिल रिसीवेबल रिसीव। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? सिंपल है, चलो आगे, पक्का? चल, अब मेरे पास बिल आ गया, बिल आ गया, आ गया, आ गया। अब बिल आने के बाद मैं उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूँ? या तो मेरे पास ही रखूँगा, या तो बैंक में जाके डिस्काउंट कर दूंगा, या तो किसी पार्टी को बेच दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, या तो बैंक वालों को दे दूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, या तो गिरवी रख दूंगा, प्लेज।
अब वन बाय वन चारों केसेस हमको देखना होगा। बाय द वे अगर वो बिल मैंने मेरे पास ही रखा, बाय द वे अगर वो बिल मैंने मेरे पास ही रखा तो ड्यू डेट के दिन आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स बिल मेरे पास ही है तो बोल 3 महीने होने के बाद वो बिल लेकर के हम लोग किसके पास जाएंगे? बन्ना के पास। बन्ना के लिए बिल पेएबल है ना, 3 महीने हो गए, मैं बन्ना के पास चला गया, देखो मैं जा रहा हूं, मैं आपको दिखूंगा नहीं, अभी गायब हो गए, मैं कहां पे आ गया? अब बन्ना के पास है ना, ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा हो, तुम भी ऐसे ही समझोगे नहीं दिख रहे हो, ठीक है। सो मैं कहां पे आ गया? बन्ना के पास। बन्ना को मैंने बिल दे दिया और बन्ना से मैंने पैसे लेके वापस आ गया, यस और नो? ये देखो, सो मैंने 3 महीने बाद बिल बन्ना को दे दिया, बिल आया था तब मैंने बिल को क्या किया था? डेबिट। अब बिल मैंने बन्ना को दे दिया तो क्या कर दूंगा उसको? क्रेडिट। और बन्ना ने मुझे क्या दे दिए? पैसे, कैश और बैंक अकाउंट चेक दिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। बन्ना ने बिल का क्या रख लिया? मान। तो बिल ऑनर्ड बाय बन्ना हो गया, खत्म। बिल ऑनर्ड बाय बन्ना, सिंपल है। इधर से आवाज आया क्या? अरे नहीं ना, टुडुंग तुम, फोन का आवाज था। चल, बिल ऑनर्ड बाय बन्ना, क्लियर। क्या हुआ? मेरे पास था बिल, 3 महीने का वादा था, 3 महीने कंप्लीट हो गए, 3 महीने बाद मैं चला गया बन्ना के पास, उसको बिल दे दिया और उससे पैसे ले लिए। बन्ना ने बिल के पैसे दे दिए, मतलब बिल का क्या कर दिया उसने? ऑनर, बरोबर। अब हो सकता है मैंने बिल पहले दिन बेच दिया हो, ये पहले दिन बैंक वालों को बेच दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब मैं वन बाय वन आपको सारी केसेस बताता हूँ, मुन्ना ध्यान देना। सो ये कौन सी केस थी? ये कौन सी केस थी बेटा? बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाली केस थी। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन सारी केसेस में अकाउंटिंग कैसे होती है वो बताने जा रहा हूँ। आ जाओ, अब मैं है ना यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है? ये आपने लिख लिया होगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल आने के बाद अब उस हम लोग उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो देखना। ये बिल आ गया क्या मेरे पास? बिल आ गया मेरे पास में, आ जाओ। चलो ध्यान दे, सो बिल आने के बाद अब मैं उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले या तो बिल को मैं मेरे पास ही रखूंगा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो उस बिल को मैं डिस्काउंट कर दूंगा बैंक में, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, या तो बिल एंडोर्स्ड टू द क्रेडिटर और किसी पार्टी को ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर मैं उस बिल को बैंक में भेज दूंगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये चार में से कोई भी एक चीज कर सकता हूं ना मैं, सिंपल है। आ जाओ, सो अब ध्यान देना बेटा अच्छे से। बिल मेरे पास आ गया, बिल आने के बाद बिल रिसीव्ड, ये देखो बिल रिसीव्ड। पहले एंट्री में उधारी में माल बेचा, पहले एंट्री में उधारी में माल बेचा, ये किसके बुक में अकाउंटिंग हो रही है बेटा? अन्ना कौन है? ड्रॉअर, ड्रॉअर के बुक में अकाउंटिंग हो रही है। आ जा मुन्ना, आप ध्यान दे देना। सो पहले मैंने अन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना के पास पैसे नहीं थे, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मैंने उसके ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया मैंने वो डॉक्यूमेंट ले लिया, एक्सेप्टेड, मेरे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया क्या? आ गया, रिसीव्ड। अब बिल रिसीवेबल आने के बाद अब उस बिल के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ही पानी की बोतल आने के बाद मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता? या तो इसको खोल के इसमें से पानी पीऊंगा, ये पानी पी लेता हूँ। या तो यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, पेपर उड़ रहा है तो मैं पेपर बेट बोल के भी यूज कर सकता। ये जो कॉर्नर में बच्चा बैठा है उसने ज्यादा मस्ती किया तो उसको मैं फेंक के भी मार सकता। क्या क्या कर सकता हूँ समझ में आ रहा है ना? बोतल के साथ, तो वैसे मैं बिल के साथ एडिटिंग सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी मैंने। सबसे पहला वाला केस, अच्छा इन चारों में से कोई तो एक ही केस होगी, हाँ एक साथ चारों नहीं होगी,
या तो हम लोग हमारे पास रख सकते हैं, या तो बेच सकते हैं, या तो इंडोर्स कर सकते हैं, या तो सेंड फॉर कलेक्शन। अब ध्यान देना सभी ने, बिल मेरे ही पास है। बिल किसके पास है बेटा बता? मेरे ही पास है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल मैंने मेरे पास अलमारी में रख दिया, तो बोलो इसके लिए कोई एंट्री रहेगी क्या? नो एंट्री। इसके लिए कोई एंट्री होने वाली है क्या? नो, नो एंट्री। यस और नो? या फिर मैं बिल को बेच सकता हूं। किसको? बैंक को। सर बैंक वालों को क्यों बेचेंगे आप बिल? मुझे आज अर्जेंट पैसा चाहिए था, मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए था, तो मैंने बिल बैंक वालों को बेच दिया। मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, मैं 3 महीने रुक नहीं सकता था, मुझे आज पैसे चाहिए। और वो बिल का मैच्योरिटी कब हो रहा है बेटा? 3 महीने बाद। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चल रहा है, उधारी में माल बेचा, सामने वाले पार्टी पे भरोसा नहीं, इसलिए मैंने उसके ऊपर बिल ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट करने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद मेरे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, उसके लिए हो गया बिल पेएबल। चलो ध्यान देना, मैं बैंक वालों को बेच सकता हूँ क्या बिल डिस्काउंटेड विद बैंक? अब क्या हुआ यहाँ पे पता है क्या? मैं बैंक वालों के पास गया, मेरे पास बिल आ गया, मैं बैंक वालों को बोला बैंक मुझे आज पैसे चाहिए, और इसका पैसा बैंक ने पूछा मुझे कब मिलेगा? तो मैंने बोला 3 महीने बाद वो बन्ना आपको देगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है जिस किसी के पास ये बिल रहेगा उसको तो 3 महीने बाद पैसे दे देना। तो बैंक ने बोला अच्छा, और आपको आज पैसे चाहिए? मैंने बोला हाँ, हमें 3 महीने बाद बनना देगा? मैंने बोला हाँ। तो बैंक बोली मैं आज आपको पूरे 5,000 नहीं दूंगी। मतलब ठीक है, कितने देंगे? तो बैंक ने 3 महीने का इंटरेस्ट का वगैरह कुछ कैलकुलेशन करके बोला मैं 4,800 दूंगी। मैंने बोला ओके चलेगा। तो मैंने बैंक वालों को 5,000 का सेट कितने में बेचा? 4,800 में। मैंने बैंक वालों को 5,000 का सेट कितने में सेल किया बेटा? 4,800 में। यस और नो? सो ध्यान देना, ये देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना आया मेरे पास? 4,800। बैंक वाले क्या बोरे में भर के देंगे क्या कैश? नो, उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए 4,800। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बरोबर। सो 4,800 यहाँ पे मैंने बैंक वालों को डिस्काउंट दिया है क्या? सो डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का डिस्काउंट दिया? 200। मेरे लिए खर्चा, बैंक वालों के लिए क्या हो गई? कमाई। और बदले में मैंने क्या दे दिया उनको? बिल। बिल रिसीवेबल नाम की असेट बेची है ना, तो असेट दो ना। असेट का डेबिट बैलेंस, असेट देते तो असेट को क्रेडिट कर दो, असेट चली गई। यस और नो? आ जाओ आगे और बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। या फिर मैं उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूं, प्लीज ध्यान देना। मैंने किसी पार्टी को, किसी क्रेडिटर को दे दिया, मैंने बन्ना को उधारी माल बेचा, मुझे बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, मैंने उसके ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, उसने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल। अब उस बिल रिसीवेबल को मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा एक क्रेडिटर है जेड, वो आया मेरे पास, बोले हरीश पैसा दे। बोला हाँ साहब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन एक असेट है। उसने बोला कौन सी? मैंने बोला बिल रिसीवेबल। बोले ला चल जब भी कभी दे। तो मैंने उसको बिल रिसीवेबल दे दिया, मुझे पैसे देने थे ना क्रेडिटर को, पैसे नहीं थे तो असेट दे दिया। सो मैंने उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बिल। क्रेडिटर का बैलेंस कम हो गया क्या? जब भी आप क्रेडिटर को पे करते हो तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं, उधार लेते हो तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, उनको पेमेंट किया तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम होते हैं तो डेबिट करो। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5,000, तो बदले में क्या दे दिया उसको? बिल रिसीवेबल। कितने का? 5,000। सर क्रेडिटर भी तो बोल सकता है ना आपको कि मुझे तो 3 महीने बाद मिल रहा है। हो सकता है क्रेडिटर बोल रहा है कि भैया फिर मैं 100 रुपये और लूंगा तुझसे बाद में। तो यहाँ पे क्रेडिटर कितने से सेटल होगा? बोल बेटा 4,900 से। हो सकता है 100 रुपये मुझे उसको और बाद में देने पड़े। फिर सेम एंट्री जैसी बैंक की थी वैसी, सेम एंट्री जैसी बैंक की थी वैसी हो जाएगी। यस और नो? बट जनरली क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर भी तो हमें समय देते ना, तो यहाँ पे उतना ही समय रहेगा जितना बिल का रहेगा, तो ऐसा यहाँ पे वो कोई तकलीफ आती नहीं है। तो क्रेडिटर को जितना देना है उतने में हम लोग बिल देके सेटल कर देते। यस और नो? क्लियर है? डोंट वरी, जो मैंने अभी बोला वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा, तो वहां पे भी और एक बार आपको चीजें बता दूंगा। चलो आगे। सो ऐसा समझो क्रेडिटर को मैंने 5,000 का पेमेंट किया, बट बदले में कैश दिया या बिल दिया? बिल। बिल रिसीवेबल दे दिया, बिल रिसीवेबल असेट है, असेट दे दिया तो असेट को क्रेडिट करो। और क्रेडिटर कम हो गया क्या? क्रेडिटर को देने थे 100, मैंने 90 दे दिए, बोलो आप कितने देने? 10। 100 में से 90 दे दिए तो आप कितने देने? 10। 100 से कितने पे आ गए क्रेडिटर? 10 पे। वो बचे हुए 10 भी दे दिए, अब कितने देने? 0। तो जैसे जैसे मैं क्रेडिटर को पेमेंट करता हूँ वैसे वैसे क्रेडिटर कम 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 होते ना, तो यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट किया मैंने,
तो क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम होते तो डेबिट करो, यस और नो, सो डेबिट कर दिया। या फिर मैं बैंक में एक अकाउंट ओपन करूंगा जिस अकाउंट का नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करके पैसे डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वैसे ही बैंक में एक अकाउंट ओपन किया उसमें बिल डाला, सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल। जैसे बैंक अकाउंट ओपन करके कैश डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे क्या डाला, बिल टू बिल, और अकाउंट का नाम क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे हमने बैंक वालों को बिल दिया है कि भैया ड्यू डेट के दिन तू जाएगी और तू पैसे लेके आएगी मेरे भी आप में, लाइक एन एजेंट। इतनी सारी चीजें हो सकती है अगर मेरे पास बिल आया तो। ये सारी चीजें एक साथ होगी कि इसमें से कोई तो एक होगी, कोई तो एक। मैं जिंदा भी हूं, मैं मर भी गया, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है ना, या तो जिंदा हूं या तो मर गया, यस और नो, क्लियर? चलो आगे, पक्का डन? अब अच्छे से ध्यान देना, वेरी गुड। ए बेटा ध्यान दे दे, अभी चला तो अब मैं सारी एंट्रीज बताने जा रहा हूं। हाँ आ जाओ। सो अब बिल आ गया, बिल के साथ में इतनी सारी चीजें कर सकता। अब क्या करना है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। अब वो घड़ी आ गई है, ड्यू डेट आ गई है, अब क्या हो रहा है, 3 महीने खत्म हो गए है ना, ऑन ड्यू डेट। बिल ऑनर्ड बाय बी, ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया, ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया, किसने ऑनर किया, बी ने। सो ड्यू डेट के दिन बी ने बिल का ऑनर कर दिया, मतलब क्या हुआ रे बेटा, ऑनर कर दिया मतलब बिल का पैसा दे दिया, यस और नो, ये लिख लिया क्या सभी ने? अब बिल का पैसा दे दिया और केस कौन सी है, ए है। बिल किसके पास था, हमारे पास, हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाली केस है। अब बताओ इस केस में अगर बिल का ऑनर हो गया तो पैसा किसके पास आएगा, जिसके पास बिल है उसके पास। पहले वाले केस में बिल किसके पास था, हमारे पास। पहले वाली केस का नाम क्या था, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, उसमें बिल किसके पास था, हमारे पास, तो पैसा भी किसके पास आएगा, हमारे पास। लिखो, सो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, पैसा आ गया, मैंने उसको बिल दे दिया। दूसरी केस थी, बिल किसके पास है दूसरी केस में, तू बोल बेटा, दूसरे केस में बिल किसके पास था, वेरी गुड मुन्ना, दूसरे केस में बिल था बैंक वालों के पास, तो दूसरे केस में पैसा किसके पास आया होगा, बैंक वालों के पास। सर बैंक वालों के पास मतलब क्या, देख तो अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना ने बन्ना के लिए बिल एक्सेप्ट किया, अन्ना के पास बिल रिसीवेबल आ गया, बन्ना के लिए बिल पेबल हो गया, अन्ना ने ये बिल जाकर के बैंक वालों को बेच दिया, अब बिल किसके पास है, बैंक वालों के पास। अब ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी बन्ना के पास, बैंक बन्ना को दे देगी बिल रिसीवेबल, और बन्ना बैंक को क्या दे देगा, पैसा। सो ये जो ट्रांजेक्शन है बैंक और बन्ना के बीच में, इसमें अन्ना का कोई लेन देन है क्या, नो। तो दूसरे वाले केस में बिल था बैंक वालों के पास, दूसरे वाले केस में बिल था बैंक वालों के पास, बैंक वाले गए होंगे बन्ना के पास, बन्ना ने बैंक वालों को क्या दे दिया, पैसा। तो बोलो यहाँ पे अन्ना के बुक में, अन्ना के बुक में, ड्रॉअर के बुक में कोई एंट्री आएगी क्या उसकी, वो बन्ना देखे और बैंक देखे, हमारा कोई लेन देन, हम तो ऑलरेडी बिल बैंक वालों को बेच के मोकला हो गया था ना काम, हम कुछ थे क्या वहां पे,
सो हमने बिल आने के बाद बिल किसको दे दिया, बैंक वालों को। अब ड्यू डेट के दिन बैंक गए बन्ना के पास, बैंक ने बन्ना को बिल दिया, बन्ना ने बैंक को पैसे दिए। बोलो इसका मेरे बुक में कोई एंट्री आएगा क्या? नो। लिखो नो एंट्री, वेरी गुड बेटा। उसके बाद लिख लिख लिख, थर्ड केस है, बिल एंडोर्स किया होता तो ड्यू डेट के दिन बिल का जब ऑनर हो गया तो हमारे बुक में क्या एंट्री आएगी? बिल एंडोर्स किया मतलब बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास। तो ड्यू डेट के दिन, जैसे मैंने बैंक का एग्जाम्पल लिया, अब यहां पे क्या है? क्रेडिटर। अब बताओ बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास। तो ड्यू डेट के दिन कौन गया होगा? क्रेडिटर गया बिल लेके, बन्ना ने क्रेडिटर को पैसा दे दिया। बोलो हमारे बुक में इसका कोई एंट्री आएगा क्या? नो एंट्री, सेम बैंक की तरह, है ना। सो यहां पे नो एंट्री, राइट। नो एंट्री, क्लियर। उसके बाद ध्यान दो, फोर्थ वाली केस कौन सी थी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब बताओ इस केस में बिल भले बैंक वालों के पास है, लेकिन बैंक कौन है? लाइक हमारी एजेंट। फोर्थ केस में बिल किसको दिया था? बैंक को। बेचा था या सिर्फ उनके पास अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट किया था? बेचा नहीं था, डिपॉजिट किया था बिल वहां पे। अब ड्यू डेट के दिन फोर्थ केस में बैंक हमारे बिहाफ में जाएगी बन्ना के पास, उससे पैसा लेगी, और वो पैसा बैंक वालों का है या हमारा है? हमारा है। बैंक मेरी सिर्फ एजेंट थी, बैंक मेरी एजेंट बन के वहां पे गई थी, उसने पैसा कलेक्ट किया और वो पैसा कहाँ पे आया? मेरे अकाउंट में आ गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट। पहले मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या किया था? डेबिट। अब बोलो अब उसमें बिल बचा क्या? नहीं। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को खत्म कर दो, क्रेडिट कर दो। ये मैंने एंट्री जो बताई है ये कौन से केस की बताई? बिल ऑनर अगर हो गया ड्यू डेट के दिन, तो चारों केस में मेरे बुक्स में क्या क्या एंट्री हो सकती है मैंने बताया। अब ये सारी चीजें लिख लो फटाफट से, ठीक है? लिखो बेटा जल्दी जल्दी से। डन, आ जाओ प्लीज, ध्यान देना बेटा। सो अब मान लो ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर ही नहीं हुआ। ओ हो, अब तक की सारी एंट्री समझ में आई? मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपने भेज दिया बेटा, चले होने के बाद भेज देना। अब मान लो ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। हो सकता है ना कि बन्ना ने 3 महीने बाद का वादा किया था, 3 महीने बाद पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं किया मतलब बिल का अपमान हो गया, बिल का डिसऑनर हो गया। तो अब बताओ अब क्या होने वाला है? मुन्ना ध्यान देना, ये फिफ्थ, इफ ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड। हो, अब बताओ अब चारों केस में क्या एंट्री होगी? पहली केस में हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल हमारे पास है तो क्या एंट्री? दूसरी केस में बिल अगर बैंक वालों के पास है, यानी बिल हमने डिस्काउंट कर दिया था भूतकाल में, उस केस में क्या एंट्री होगी? अगर हमने बिल एंडोर्स कर दिया होगा तो उस केस में क्या एंट्री होगी? या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली केस है तो इसमें क्या एंट्री होगी? ये हर एक केस में क्या क्या एंट्री होगी अगर बिल डिसऑनर हो गया तो? हर एक केस में एंट्री क्या क्या होगी अगर बिल डिसऑनर हो गया तो? यस और नो प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। सो अगर बिल डिसऑनर हो गया, इफ ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड, तो बोलो एंट्री क्या होने वाली है ना? सर कौन सी केस में? सबसे पहली केस की एंट्री बता दो। एक बच्ची बोल रही है बैड डेट अकाउंट, ओके ट्राई करो। हाँ बोलो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट। देखो बेटा, हम लोग हर केस में क्या क्या एंट्री हो सकती है देख रहे। हमने ए ने बी को माल बेचा उधारी में, सो बी अकाउंट डेबिट टू सेल। ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया। जैसे ही बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ए के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल, उसकी एंट्री कर दी बिल रिसीवेबल टू बी। अब जैसे ही मेरे पास बिल आ गया, अब उस बिल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या तो मैं मेरे पास रखूंगा हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो बैंक वालों को भेज दूंगा, या तो एंडोर्स कर दूंगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी बैंक में एक अकाउंट ओपन करके बैंक वालों को बोल दूंगा मेरे बिहाफ में तुम कलेक्ट करके मुझे पैसा दे देना। सो बैंक हमारे बिहाफ में कलेक्ट करेगी, यस और नो। सो इतनी सारी चीजें। सो उसके बाद में ड्यू डेट के दिन अगर बिल ऑनर हो गया, तो जो मैंने या तो चार केसेस बोली थी ना, बिल ऑनर हो गया तो पहली वाली केस है हेल्ड टिल मैच्योरिटी में, बिल किसके पास है, हमारे पास, तो ड्यू डेट के दिन पैसा किसको मिलेगा, हमको। दूसरी केस में बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वाली केस में बिल कहाँ है, बैंक वालों के पास, पैसा किसको मिलेगा, बैंक को, कौन देगा, बन्ना, हमारे बुक में नो एंट्री। तीसरी केस बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर वाली केस में बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास, पैसा किसको मिलेगा, क्रेडिटर को, यस और नो, पैसा किसको मिलेगा, क्रेडिटर को, यस और नो। तीसरी चौथी केस बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली केस में, भले ही बिल बैंक वालों के पास है लेकिन बैंक हमारे भी आप में हमारी एजेंट बन के हमारी नौकर बन के गई थी बिल का पैसा कलेक्ट करने है, तो उसका पैसा किसके पास आएगा, हमारे केस में। देखो फोर्थ केस में बिल अगर ऑनर हो गया, तुमने क्या एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट, और पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था ना, बिल जब भेजा, जब बिल का पैसा आ गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया। अब फिर से बिल अगर डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री आएगी, ऑनर हो गया तो चारों केस में क्या क्या एंट्री आएगी देख लिया, अब डिसऑनर हो गया तो चारों केस में क्या क्या एंट्री आएगी अब देखना पड़ेगा। सर ऑनर्ड और डिसऑनर्ड एक साथ हो सकता है क्या, नो, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर, इसीलिए मैंने क्या वर्ड लिखा, इफ। सब लोग साथ में, पक्की बात, सौगंध बेटा आपको आपके चाहने वाले की जो लाइव देख रहा है अभी ऑनलाइन लाइव या फेस टू फेस, पहले डाउट है तो पूछो, कोई एंट्री कोई चीज 1 2 3 4 5 कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, हर एक केस में क्या क्या एंट्री हो सकती है वो हम लोग देख रहे हैं, हर एक केस में एंट्री क्या क्या हो सकती है वो हम लोग देख रहे हैं बेटा। चलो बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैं बढ़ू आगे, बिल डिसऑनर वाला किस्सा समझाऊ, ओके नो डाउट, पक्का आज। सुमना प्लीज ध्यान देना, अब बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, आपका सवाल सर कौन सी केस चल रही है, मेरा जवाब पहली केस हेल्ड टिल मैच्योरिटी। आपका सवाल सर हेल्ड टिल मैच्योरिटी मतलब बिल आपके पास है ना, मैंने बोला हाँ, हेल्ड टिल मैच्योरिटी में बिल किसके पास है, हमारे पास। सो मैं हर केस में बताता हूँ, सो अन्ना ने बन्ना के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बन्ना ने अन्ना को बिल दे दिया, अन्ना के पास बिल रिसीवेबल आ गया और ड्यू डेट तक बिल मेरे ही पास है। अब ड्यू डेट के दिन मैं गया बन्ना के पास बिल लेके, बन्ना ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं दिए, तो बताओ मैं बन्ना के वहाँ माथा फोड़ी करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा, नहीं सर तुम उसका सर फोड़ देना, नहीं नहीं वो नहीं कर सकते यहाँ पे। अब बिल का पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग, मैं चला गया सीधा नोटरी ऑफिस में, कहाँ गया मैं, नोटरी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर है सरकारी ऑफिस, मैंने उनको जाकर के बोला कि ऐसा ऐसा केस था, बन्ना से पैसा लेना था, बिल एक्सेप्ट किया था, ड्यू डेट थी आज, मैं पैसा लेने गया उसने नहीं दिया, प्लीज़ मेरे इस फैक्ट को आप आपके नोटरी रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। सर इससे क्या होगा, कल चल के जब कोर्ट केस रहेगी, कल चल के जब कोर्ट केस रहेगी तो मेरे पास वो नोटरी रजिस्टर का जो कॉपी रहेगा वो मेरे लिए एविडेंस बोल के काम आएगा ना, कि देखो साहब सही में नहीं दिया, नहीं तो कल चल के बन्ना बोल देगा ना ये आए नहीं मेरे पास, सबूत क्या है, नोटरी ऑफिसर ने वेरीफाई किया था, उस दिन नोटरी ऑफिसर को भी मैं लाया था तेरे यहाँ, ये बोलने के बाद वापस आए थे हम, तूने नहीं दिया था पैसा, उसने उस फैक्ट को उसके रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया, बरोबर है, लेकिन वो फोकट में करेगा क्या, जवाई है क्या मेरा, नो, उसने मेरे से बदले में पैसे लिए, कितने, 200 रुपये, लीगल, अंडर टेबल का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, तो उसने कितने लिए बेटा मेरे से पैसे बताओ तो, 200 रुपये, 200 रुपये मैंने किसको दिए, नोटरी ऑफिस को, किस चीज़ के लिए, नोटिंग करने के, क्या नोट करना, फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि डिसऑनर हो गया। अब बताओ
बन्ना से बिल का पैसा लेना था, आज आज का वादा था, उसने पैसा दिया नहीं, बिल का डिसऑनर हो गया, बिल का अपमान हो गया, यस और नो? अब बताओ मुझे, अब जैसे बिल का अपमान हो गया तो उस बिल को अब हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसल। बिल को कैंसल कौन करेगा? जो उस समय का बिल का होल्डर रहेगा। बोलो, पहले वाले केस में बिल किसके पास है? हमारे पास। तो बिल को कैंसिल भी कौन करेंगे? अब चलो करूं कैंसिल। अब देखो, मैंने बिल, बिल रिसीवेबल ये असेट है ना, असेट को कैंसिल करना है तो क्या करो? क्रेडिट। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने का बिल था? 5000 का। ये बात समझ आई क्या सभी को? ये मैंने बिल को कैंसिल किया, क्यों? क्योंकि बिल का डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हुआ? क्योंकि बन्ना ने पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने बिल को कैंसिल कर दिया। मैंने बन्ना को बोला, सुन बन्ने, अब बिल बिल सब गया चूल्हे में, ये मैंने बिल को कैंसिल कर दिया, अब तू मेरा फिर से क्या बन गया? डेटर। ये बिल का पैसा लेना था, अब बिल तो कैंसिल कर दिया, अब मुझे तुझसे डायरेक्टली इन पर्सन पैसा लेना है, बिल बिल कुछ नहीं अपने बीच में। बन्ना क्या बन गया? मेरा डेटर। सो देखो, सो बन्ना अकाउंट विल बी डेबिटेड। और रुक, तू मेरा डेटर सिर्फ 5000 से नहीं बना, तेरे चक्कर में मुझे नोटरी ऑफिस को कितने देने पड़े? 200। वो 200 किसने दिए? हमने। लेकिन हम लोग किससे वसूल करेंगे? बन्ना से। कॉमन सेंस ना, उसकी वजह से लगे ना, दिया हमने, पे हमने किया, लेकिन बेयर कौन करेगा, बॉन कौन करेगा? बन्ना। सो बन्ना से मुझे कितना लेना है? 5000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस का। सर बन्ना क्यों देगा? क्योंकि उसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, तो वो रिइंबर्स करेगा ना। और हमारे जब से आज कैश कितनी गई नोटरी वाले को? सो टू कैश अकाउंट 200, यस और नो? सो बन्ना अकाउंट डेबिट 5200। जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, मैंने गुस्से से बन्ने की तरफ देखा, बन्ने अब तुझसे 5000 बिल का लेना है और 200 नोटिंग चार्जेस का लेना है, यस और नो? और बिल मैंने कैंसिल कर दिया और नोटरी को मैंने 200 रुपए कैश दिया, मेरे जेब से कैश चली गई, लिख दिया टू कैश। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर? पक्की बात? चलो आगे बोलो बेटा। एनीबडी? ऑनलाइन, ऑफलाइन? चलो आगे, पक्का? उसके बाद सेकेंड केस में अगर बिल का डिसऑनर हो जाता है तो, सेकेंड केस में बिल का डिसऑनर अगर हो जाता है तो ना, प्लीज ध्यान देना। हाँ बेटा, थोड़ा सा आज मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, मैं मानता हूँ, बट थोड़े 5-10 मिनट की बात है, 5-10 मिनट मैं छोड़ दूँगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को चाचा बाबा बता रहा हूँ, है ना? आ जा मुन्ना, बोलो। बिल डिसऑनर हो गया, केस कौन सी थी? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। मतलब क्या रे बाबा? अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर में बिल ड्रॉ किया, बन्ना ने अन्ना के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया, अन्ना के पास आ गया बिल रिसीवेबल, बन्ना के लिए हो गया बिल पेबल, अन्ना ने वो बिल रिसीवेबल किसको बेच दिया था? बैंक वालों को। अब ड्यू डेट के दिन जब बैंक इससे पैसा लेने गई, तो इसने बैंक वालों को पैसे दिए क्या? नहीं। बैंक वाले उसके पास जब बिल लेके गए, तो इसने बैंक वालों को पैसा नहीं दिया। बैंक भी वहां पे माथापोड़ी नहीं करेगी, बैंक भी कहां जाएगी? नोटरी ऑफिस। बैंक वालों ने भी कितने दिए उसको? 200 रुपए। और अब बैंक पता लगाएगी, दया पता लगा, ये बिल आया कहां से था? तो बोलो, बैंक वालों को बिल किसने बेचा था? हम बैंक वालों की रडार में आ गए। अब बैंक वाले हमसे कितने पैसे लेगी? अब बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले हमारे पास आएंगे और हमारे अकाउंट से कितने लेंगे? 5200। अरे दे 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 दे, मेरे अकाउंट से कितना गया? 5200। क्योंकि बैंक को 5000 रुपये बिल का कौन देने वाला था? बन्ना। उसने दिया नहीं, उल्टा बैंक को 200 रुपये और खर्चा भी आ गया। सो बैंक को 5000 वहां से आने थे, 200 रुपये का और खर्चा भी आ गया। तो अब बैंक वो 5200 किससे वसूल करेगी? जिसने बैंक वालों को बिल बेचा था। किसने बेचा था? हमने। तो बैंक अब वो पैसा किससे लेगी? हमसे। सो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्या? सो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट 5200। हमने बैंक वालों को बोला हाँ बैंक, क्योंकि जब हमने बिल डिस्काउंट किया था, बैंक वालों को बेचा था, तभी कंडीशन पे साइन करवा के लिया था बैंक ने, अगर बन्ना ने पैसे नहीं दिए तो तुम देंगे, ये हमारी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी, यस और नो? अगर उसने नहीं दिया तो मुझे देना होगा, इसीलिए बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड ये बैलेंस शीट के नीचे में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं, क्योंकि उसने नहीं दिया तो किसको देना है? मुझे।
ऐसी लायबिलिटी जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। यहाँ पे फ्यूचर इवेंट क्या है, बन्ना का पैसे देना या ना देना, नहीं दिया तो मुझे देना। मैंने बैंक वालों को सॉरी बोला, मतलब हाँ ले लो मेरे अकाउंट से 5,200। और फिर गुस्से से बन्ना की तरफ देखा, साले तेरी वजह से 5,200 मेरे कटे, अब मैं किससे लूंगा ये 5,200, बन्ना से लेना है। मैंने तो बन्ना मेरा डेटर बन गया क्या? सो बन्ना अकाउंट डेबिट 5,200। तो क्या एंट्री आएगी, बन्ना टू बैंक। किसकी वजह से गए ये, बन्ना की वजह से, तो मैं किससे लूंगा, बन्ना से, कॉमन सेंस ना। उसके बाद नेक्स्ट केस, बिल एंडोर्स्ड, प्लीज ध्यान देना। अगर ये बिल, अब तीसरे वाले केस में बताओ बिल किसके पास है, अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, बन्ना ने अन्ना के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया था, अन्ना के पास आ गया बिल रिसीवेबल, अन्ना ने ये बिल बेच दिया था क्रेडिटर को। सो अब बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर ड्यू डेट के दिन जब बन्ना के पास गया, बन्ना ने क्रेडिटर को पैसा दिया क्या? नो। क्रेडिटर भी कहाँ जाएगा, नोटरी ऑफिस में, कितना दे दिया, 200 रुपये। अब क्रेडिटर पता लगाएगा बिल किससे आया था, हमसे। क्रेडिटर हमारे पास आ गया, भैया तुमसे जो बिल मिला था उसका पैसा आया नहीं, बोला साहब मेरी गलती। अब हम क्रेडिटर को बोलेंगे साहब हम आपको दे देंगे, क्रेडिटर अब मेरा फिर से क्या बन गया, क्रेडिटर। सो मैं लिख दूंगा टू क्रेडिटर अकाउंट, लेकिन इस बार आप कितना देना है उसको, 5,000 बिल का और 200 रुपये जो क्रेडिटर ने पे किया नोटिंग चार्जेस, वो भी तो हमसे लेगा ना। सो क्रेडिटर को बोला ठीक है साहब मैं दे दूंगा, यानी क्रेडिटर बढ़ गए मेरे, और मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा, बन्ना की तरफ, बन्ना तेरी वजह से मेरा क्रेडिटर बढ़ा है। सो बन्ना तुझसे लेना है कितना, 5,200, यस और नो, क्लियर। और उसके बाद लास्ट वाली केस, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, बन्ना ने अन्ना के लिए बिल एक्सेप्ट किया था, अन्ना ने वो बिल बैंक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट कर दिया था, राइट। अब ड्यू डेट के दिन जब बैंक हमारे भी आप में यहाँ पे गई, तो इसने बैंक वालों को पैसे नहीं दिए। ये नहीं दिए क्यों बोल रहे हो सर बार बार, अरे डिसऑनर की केस है ना। तो बैंक क्या करेगी, बैंक मुझे पूछेगी, बोलेगी साहब पैसे नहीं दिए, नोटरी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कर, नोटराइज कर दो क्या, बोला हाँ ठीक है कर दे। बैंक तो मेरे भी आप में कर रही है, तो मुझे पूछ के करेगी ना अब, बोला हाँ कर दे। तो बैंक ने बोला साहब 200 रुपये चार्जेस है, बोला हाँ ठीक है कर दे। तो 200 रुपये बैंक किसके अकाउंट से लेगी, मेरे। सो टू बैंक अकाउंट 200। और बैंक बोली कि साहब आपने जो जबरदस्ती हमको बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट करके रखा है ना, बिल डिपॉजिट किया था, वो भी रिवर्स करो। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी अब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट 5,000 रुपये से, यस और नो। बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितने से क्रेडिट करूंगा, 5,000 से। और अब मैं गुस्से से बन्ना की तरफ देखूंगा, साले तूने पैसा नहीं दिया, अब मुझे तुझसे पैसा लेना है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में जब मैंने बिल डिपॉजिट किया था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया, अब बिल डिसऑनर हो गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर दूंगा, सही है कि नहीं, यस और नो। ये थी डिसऑनर की एंट्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर इंसॉल्वेंसी आ जाती है किसकी, ड्रॉई यानी बन्ना की, तो क्या एंट्री रहेगी, सेम सर। क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर। और बिल डिसऑनर हो गया तो सेम जो ऊपर की एंट्रीज है सेम रहेगी क्या, यस और नो, सिंपल यस और नो। और भी इसके बारे में काफी सारी जानकारी है जो हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।